नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रोज़ क्लास 10th की मैथ्स आपको कराता हूं शाम 4 बजे। उसी की सीरीज़ में आज हमारा 11th लेक्चर आ चुका है। काफ़ी आगे हम आ चुके हैं बच्चों, 8.4 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड हो चुकी है और लास्ट एक्सरसाइज जो होने वाली है ना, बिल्कुल लल्लन टॉप क्लास होने वाली है आज की। इसीलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ओके, ठीक है ना। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ आप लिख के ले जाइए, उससे आपको मार्क्स पक्का पक्का गेन होने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इसलिए आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। ये इंसान, ये महापुरुष हमारे सामने हैं, आप सभी इनको जानते होंगे। ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका योगदान हमारे देश में शिक्षा के प्रति जितना कहा जाए उतना कम है, ठीक है ना। इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा क्या है, शिक्षक दिवस है। ओके, तो हम इनके योगदानों का बहुत सम्मान करते हैं। और आप अभी एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेटा, आप मुझसे ही नहीं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी शिक्षक से, किसी भी टीचर से जुड़े हुए हैं, तो उसका हमेशा सम्मान ही करें और कोशिश करें कि उस शिक्षक ने, उस टीचर ने आपको लेकर जो सपना देखा है, ठीक है ना, जो चाहता है शिक्षक की उसका विद्यार्थी जीवन की ऊंचाइयों को छुए, उस सपने को साकार करने में आप भी अपना पूरा योगदान दें। यही शिक्षक के लिए, यही स्टूडेंट, स्टूडेंट का टीचर के प्रति सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो गिफ्ट्स आप लोग देते हैं, एक ही दिन आता है 5 सितंबर, उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट टीचर्स दे। तो आपका मेन गिफ्ट तो वही है जो टीचर चाहता है आपसे, तो कोशिश करें कि उसको देना मस्ट है। आज जो हम गिफ्ट दें ना दें वो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो तभी होगा जब आप, टीचर जो आपसे उम्मीद करता है उस पर खरा उतरेंगे, ठीक है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ओके, तो मैं आपको पुराना कुछ रिवाइज कराना चाहूँ अगर, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कराया था। मैंने ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हुई ना, व्हाइटिश हो रहा है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, आप मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सारे प्रूफ करा दिए लास्ट वीडियो में, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी है सिर्फ, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी देखना है कि ये प्रूफ कहाँ से हुई, ये कहाँ से आई हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो उसको जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, 8.4 के हम क्वेश्चंस करेंगे आज और उसको ख़त्म कर रहे होंगे। ओके, तो ये मैंने आइडेंटिटीज बताई थी आपको, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, 1 + tan² 1 + cot² जिसने पहले से वीडियो देखी है मेरी उसने तो याद कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है वो भी डरे नहीं, इस वीडियो से जुड़ा रहे। और मैं बार बार इनको बोलकर आपको रिवाइज कराता रहूँगा, इसीलिए आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 8.4 के। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया बच्चों को, तो कह क्या रहा है, प्रूविंग होती थी, प्रूविंग तो पता नहीं क्या ही है क्वेश्चन में। मैं आपको बेटा बताता हूँ क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है बच्चे, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों की वैल्यूज जो है ना वो आपको कॉट की टर्म्स में बतानी है। कॉट में मतलब सारे फॉर्मूलेस कॉट में ही रिलेट होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोल के आपको कम समझ में आएगा। जैसे साइन ए है, ओके, और क्या है हमारा सेक ए, टेन ए, और भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 दिए हैं। तो इधर जो भी आए, नो मैटर कुछ भी आए, लेकिन वो हो किसकी टर्म्स में, कॉट की टर्म्स में ही हो, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें रिलेट करके निकालना है, ये चीज़ है। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दिखानी है बेटा इसमें करके। ओके, ये चीज़ हमें करके दिखानी है इसमें कि साइन, सेक और टेन तीनों का जो रिलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से कॉट के रिस्पेक्ट में आ जाए, ठीक है ना। तो पहले पहली वाली ट्राई करते हैं बेटा, पहला वाला, सबसे पहले वाली भी शुरुआत करते हैं हम लोग धीरे धीरे, और तीनों को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर और भी दिए हों, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें और बात बाकी भी हैं, तो सारे क्वेश्चन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो से जुड़े रहें। क्या है बेटा, साइन ए, साइन ए के लिए बेटा और कॉट भी चाहिए। तो अगर आप पहली आइडेंटिटी देखें बच्चे, पहली आइडेंटिटी होती है बेटा साइन और कॉस के बीच में, ठीक है ना, साइन और
कॉस के बीच में, तो यहाँ तो कॉट है नहीं, यहाँ तो कॉट है नहीं बेटा। है कॉट, है किसमें कॉट बेटा? इसमें आपको मिल रहा होगा, देखो आप, कॉट मिल रहा है इसमें। और सर साइन तो नहीं है बेटा, साइन है, ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है 1/sin। तो यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी में साइन भी मिल रहा है हमें कॉसेक की फॉर्म में, और कॉट भी मिल रहा है। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट वाली का। उसमें साइन तो है लेकिन कॉट नहीं है बेटा, बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा तब कॉट बनेगा। तो हमें जब डायरेक्ट मिल रहा है तो हम उसी का यूज करेंगे ना। तो बेटा हम इस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। अब क्या होता है बेटा, 1 + cot² a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों? इसीलिए मैंने कहा था कि जो याद नहीं है किसी को ये आइडेंटिटी, तो घबराए नहीं, मैं इतनी बार आपको बोल बोल कर समझाऊंगा, याद करवाऊंगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप देखते रहिए। तो बेटा cot तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें साइन चाहिए, cosec नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/sin² लिख सकते हैं, है ना? नहीं लिख सकते बताओ? 1/sin² लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा मोटा कर लेंगे पेन को, ठीक है? अब सही है, ठीक है बच्चों? अब देखो इसको बेटा, इधर भेजो उसको उधर भेजो, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, और इसके नीचे क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा बच्चों, sin² a, ठीक है? sin² a। और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/cot² a, ओके? 1/1 + cot² a, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? किया क्या मैंने, इसको रेसिप्रोकल किया, साथ ही साथ इसको भी किया, तो ये तो रेसिप्रोकल होके साइन आ जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल बच्चों 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देखो आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात हो गई बेटा। साइन भी मिल चुका है, कॉट भी मिल चुका है, आधा 80% काम हो चुका है हमारा। अब बस हमें साइन चाहिए, ना कि स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा, साइन इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर, जब इधर जाएगा तो रूट लगेगा बेटा, 1 का रूट 1 ही होता है, बस प्लस माइनस ले लेंगे। और नीचे बेटा पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था बेटा, कितना इजी क्वेश्चन था। किया क्या हमको, साइन ए चेंज करना है, साइन ए चेंज करना है बेटा कॉट में, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी आइडेंटिटी यूज की जिसमें साइन भी आ रहा हो और कॉट भी आ रहा हो। हमने देखा थर्ड आइडेंटिटी जो होती है उसमें ऐसा होता है। तो हमने क्या किया भाई, हमें कॉट तो चाहिए था, कॉट को ऐसे रहने दिया, और साइन नहीं चाहिए, साइन चाहिए था कॉसेक की जगह पर, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है, अब क्या बचा है हमारा बेटा, sec a और tan a बचा हुआ है। तो बेटा sec a यहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना? इस बात को आप देखो, इस बात को मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। sin² a इज इक्वल्स टू 1 + cot² a, ठीक है ना बेटा? ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात अभी कराइए, वही लिखा हुआ है, ठीक है? sin² is equal to 1/1 + cot². अब क्या करना है, इसका रूट नहीं लेना है बेटा। साइन स्क्वायर को हम कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो जरा, अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो इसको वहां भेज सकते हैं। बोलो, साइन स्क्वायर निकालने के लिए कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 1 - cos² a, ये यहाँ आएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos² a। तो 1 - cos² a को ही लगाना है हमें, ठीक है? देखो जरा, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 - cos², ओके? सर हमें sec चाहिए, आप cos निकाल लो बेटा, cos निकल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और sec भी आ जाएगा। तो ये चीज मैं कराना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, 1/1 + cot² a, ठीक? अब बच्चे क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे और इसको उधर, तो बेटा -cos² a उधर जाके प्लस का cos² a हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जब इधर आएगा तो पूरे के आगे लग जाएगा माइनस,
ओके आसान है, और इधर तो वन है ही है। तो बेटा घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा तो ब्रेन लेगी आपका, ऐसा नहीं है कि बिना ब्रेन यूज करी सारी हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं है, जुड़े रहना हमसे। आप कमेंट्स में बताइए, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, जितनी बार आप बताएंगे समझ में नहीं आ रहा है तो हम नए नए तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि आपको वो समझ में आए। ओके चलिए तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। आप बेटा जब यहाँ पर आप 1 नीचे है तो एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और 1 तो यहीं पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट पर आते, ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वहां पहुंच जाएगा, और ये जो है ये माइनस का 1 यहाँ पर रहेगा और नीचे आ जाएगा पूरा बेटा यही जो मैटर ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, बार बार पीछे से आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप कहीं भूल ना जाए कि चल क्या रहा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, इसी का रेसिप्रोकल करना है हमें, आप समझ पा रहे होंगे, हल्का हल्का आपको आइडिया लग रहा होगा कि करने वाले क्या है सर। तो बेटा 1 से 1 तो कट गया, ठीक है, अब इसको तो लिख लो बेटा, कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, अब बेटा हमें कॉस तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें सेक निकालना है, तो सेक के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू बेटा ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन ये नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर है। रेसिप्रोकल करना तो जानते हो बेटा आप लोग, इतना तो इजी है मैथ्स, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें सेक स्क्वायर ही नहीं निकालना है, हमें सेक ए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, रूट लेना है सिंपल, है ना। आप क्या करेंगे, रूट लेंगे यहाँ से, सेक ए क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा बेटा, सेक ए, अब दोनों पर रूट लग जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है के ऊपर रूट लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा सिर्फ और सिर्फ, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो आपके लिए, ठीक है ना, सिर्फ कॉट ए बचेगा। ये बेटा हो गया, और रूट लगाया तो बेटा प्लस माइनस तो लगाना धर्म है हमारा, क्या है, धर्म, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा, सेक भी खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है बेटा टेन, टेन को बेटा कौन बताएगा, बहुत कठिन है, बहुत, टेन को कॉट पे करना है ना। चलिए देखिए जरा टेन को कैसे करेंगे बेटा, टेन ए क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ये पहली वीडियो से ही बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, प्रूफ रूफ जो कुछ है सब कुछ हो चुका है इसका। और टेन ए को कॉट के रिस्पेक्ट में तो चेंज करना था, तो बेटा देखो ना वही लिखा है, टेन को कॉट के रिस्पेक्ट में लिख तो दिया, तो इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना था, इतना ही था बस, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। साइन ए करना था कर दिया, सेक ए करना था कर दिया, और टेन ए करना था कॉट की टर्म में वो भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन में जितना कुछ भी पूछा था इतना ही था, और सारा का सारा हम लोगों ने स्टेप बाय सारा समझ लिया है। अगर आपको ये थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, जब भी आपको इच्छा करे तुरंत उसमें लिख दीजिए जो भी आपकी इच्छा है। ओके अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, चलिए कोई बात नहीं हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा होते कौन कौन से रिवाइज करेंगे बेटा, एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है ना, उसके बाद कॉट होता है, कॉसेक होता है, और सेक भी होता है, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क ना पड़ रहा उससे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब आपको सेक ए में निकालना है, सेक ए जो है ये सबसे नीचे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब में ही सारे के सारे आपको निकाल के दिखाने, ये सारे के सारे आपको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाने हैं, ठीक है ना, तो कर लेंगे, ठीक है ना, आसान है।
सारे के सारे आपको सैक की फॉर्म में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखकर तो हर क्वेश्चन टफ ही लगेगा, जब तक आप उस पर क्या करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे उसको सॉल्व करने की, है ना। चल स्टार्ट करते हैं इसका भी बेटा, खात्मा करते हैं इस क्वेश्चन का भी हम लोग। अभी देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो बेटा कॉस कॉस क्या होता है बेटा, कॉस सबसे पहले यही ले लो, कॉस सबसे आसान होता है। कॉस ए आपको बता रखा है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सर यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सिक्स होते हैं, सिक्स में एक तो सेक है ही जिसमें कन्वर्ट करना है, एक खत्म, फाइव बचे। फाइव में सर कॉस तो सेक का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी खत्म। कितने बचे बेटा, फोर, साइन कॉस सेक टेन कॉट, फोर बचे हैं, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आओ बेटा पहली आइडेंटिटी उठाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये हमने क्या लिखी है, ये पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिख दी है, ठीक है। इसको बेटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। सर ये कर क्यों रहे हो, इसलिए ताकि इस कॉस को रेसिप्रोकल करके बाद में सेक बनाया जा सके, सारा काम तो इसी का है बेटा, तो इसीलिए इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यही स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर को हम लिख लेंगे बेटा क्या, सेक स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर है। देखो बेटा कह रहा था आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, साइन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एलसीएम लो बेटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर है माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर, ओके सेक स्क्वायर है। और यहाँ क्या चल रहा है बच्चे, साइन स्क्वायर। अब बेटा साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कि साइन स्क्वायर ए होता है, बेटा साइन ए होता है ना, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और नीचे बेटा स्क्वायर हट जाएगा इसका, सेक स्क्वायर का क्या आएगा, वो भी प्लस माइनस रहेगा साथ में। ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो गया, देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से भी लास्ट में भी दिखाऊंगा आपको मैं एक बार। ये हो गया बेटा हमारा क्या, साइन कन्वर्ट हो गया बच्चे। अब निकालेंगे, अब बेटा साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है बेटा, वन अपॉन साइन है, ठीक है ना। तो कॉस है के निकालने के लिए भी बहुत मेहनत तो करने की जरूरत है नहीं, क्या हो जाएगा बच्चे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बेटा छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो निकाल ले तो तीन ही होते हैं, बाकी तीन तो रेसिप्रोकल करके आ जाते हैं, इतनी मेहनत है नहीं इतनी हम समझते हैं, ठीक है। आओ जरा, ठीक है इतना हो गया। अब बचा बेटा टेन और कॉट, टेन और कॉट, ठीक है ना, क्या बचा, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट पे भी कौन सी रिलेशन होता है, सेकंड आइडेंटिटी आप उसको याद करिए, वन प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ऐसे कुछ आपको याद आ रहा है, उसी को लगाना है, ठीक है उसी को लगाना है, ओके। आइए जरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है बच्चों, बोलो होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, याद है आपको ये होता है कि नहीं होता है। चलिए तो टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चे, टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस सेक स्क्वायर। आप प्लस माइनस कन्वर्ट करना तो जानते होंगे बेटा, इसको आप समझते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। टेन भी सेक की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। अब टेन को क्या करेंगे, वही वाला मतलब है कि रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए प्लस वन का रूट, ओके ये भी प्लस माइनस पहुंच जाएगा, बोलो बेटा कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब बेटा कॉट यहाँ पे रूट नहीं वो लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमने रूट ले लिया है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लग, आप हर चीज़ देखते रह करो कि क्या मैं काट रहा हूँ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, जब हमने यहाँ पर रूट ले लिया है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा टेन एक की बात, अब क्या बचा बेटा कॉट, तो कॉट सब बच्चे जानते हैं कि इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस वन प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है ना बेटा। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, एक आपको तो कन्वर्ट करना था सेक में तो वो तो था ही था, उसके बाद कॉस था वो तुरंत हो गया, कॉस इक्वल टू वन अपॉन सेक के। फोर बच्चे बेटा साइन और कॉस सेक टेन और कॉट, तो हमने साइन निकाला
और टेन निकाला, उनके रेसिप्रोकल करके कॉसेक भी आ गए और कॉट भी आ गए। इस वीडियो की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे बाद में, तो आप टेंशन मत लीजिए, सॉल्व करते रहिए साथ में, ओके, और समझते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, अब मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वैल्यूज़ की फॉर्म में है वो यहाँ पर यूज़ होने वाली है, तो आप लोग बहुत ध्यान से जुड़े रहेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। बेटा क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो बेटा आपको वही कन्वर्ट करना तो सिखाया है, 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगेगा, तो दोनों वीडियोस जो आप जिसने देखी है वही उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, सिर्फ लास्ट वीडियो से बेटा काम नहीं चलेगा। तो सारी वीडियोस आप एक लाइन से देख लीजिए ताकि सबको सारी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें सब कुछ यूज़ होगा पीछे का, तो जिसने डायरेक्ट वीडियो देख रहा है उसको बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी वीडियोस आप एक लाइन से देख के आइए पहले, उसके बाद इस वीडियो को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर 63, एक को बेटा फिक्स करते हैं, एक को चेंज करते हैं, तो 63 को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 माइनस 27, ओके, बात समझ में आ गई। उसको बेटा ऐसे लिख रहेंगे, साइन स्क्वायर 27, ओके, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चे, इसमें भी एक को फिक्स करो, एक को चेंज करो, कॉस 17 को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या किया मैंने यहाँ पर। क्या होगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ ज़रा कमेंट्स में, सब पढ़ाया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 21 बेटा कितना होगा, 27, क्यों, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। नीचे क्या चल रहा है बच्चे, यहाँ पर देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, ओके। अब मैं आपसे एक हल्की सी आइडेंटिटी रिवाइज करवाना जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सर ये थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा बेटा एंगल ही तो होता है, पर एंगल कौन सा, दोनों सेम थीटा ही लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पर सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उसमें ऐसा हो रहा है क्या, देखिए ज़रा क्या इस क्वेश्चन में 63 63 मैच नहीं कर रहे हैं और 73 73, तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो इस पूरे की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी से 1 हो जाएगी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो भी बिल्कुल सेम फॉर्म बन रही है, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा हमारा इस क्वेश्चन का, 1 आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है, एक एक करके सारी आइडेंटिटी यूज में यूज़ होने वाली है, तो इस वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। साइन 25 कॉस 65, साइन 65 कॉस 25, इसमें भी हमें वही सब करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, कि एक को फिक्स करके हमें दूसरे को चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें 25 को चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस 65, और दूसरा वाला बेटा फिक्स रहेगा, ध्यान रखेंगे हम लोग कॉस 65, और सेकेंड टर्म में क्या होने वाला है, साइन 65 है और कॉस 25 है। बेटा ये बात देखो आप, हमने जब आइडेंटिटी पढ़ी तो थीटा दोनों में सेम होता था, अगर दोनों एंगल डिफरेंट होंगे तो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 65 65 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम 65 ही बनाएंगे, 25 बना देंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग हो जाएंगे, तो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। तो साइन 65 जब इधर 65 रखा है तो इसको फिक्स रखो साइन 65 को। कोई बच्चा ये मत कह रहा सर आपने तो 65 एक को फिक्स करने को कहा है तो हम तो 65 को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 आ जाएगा, थीटा अलग अलग हो जाएंगे तो आइडेंटिटी लग ही नहीं पाएगी, दोनों में सेम होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन 65 इसको चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस 65, ओके, लास्ट में हो गया काफ़ी। चलिए थोड़ा नीचे देख लेता हूँ, उसमें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इधर आ जाओ जरा, साइन 65 कॉस 90 माइनस 65, ठीक है, अब आ जाओ, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अरे हो जा बेटा हो जा, 65 है वो, ठीक है। चलो
ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 65, कॉस 65 इंटू कॉस 65 बेटा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा, तो साइन 65 साइन 65 तो कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 65। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ने इतनी मेहनत क्यों की है, दोनों वैल्यू सेम हो गई बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी, बड़ा सा नंबर वन, क्या बनना है हमें लाइफ में, नंबर वन, वही आंसर हमारा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कि हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और ये क्लास भी हमारी आज यहीं तक ख़त्म होती है। ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको इसलिए लेके नहीं आता कि यहाँ बोर ना हो जाए, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट से अगर बोर हो गया ना बच्चा एक बार, उसके बाद कोई उसको समझा नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर ले। तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट से पढ़ें और जितना पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, भले ही कम पढ़ें एक दिन में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही आप 99% थोड़ी जाएंगे सारे सारे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में आ जाएंगे कि सब पढ़ लूँगे, क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, एपी पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, इंटीजर्स सब कुछ, पॉलीनोमियल सब पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो ओवरऑल परसेंटेज कभी गड़बड़ा नहीं जाएगी, इसलिए क्या करना है सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाना है और उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। अब आप मान लीजिए आपने ये वीडियो देख ली, बहुत अच्छे समझ में आया, उसने आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन बाकी की वीडियोस का क्या, बाकी के लेक्चर्स का क्या, तो सारे लेक्चर्स जरूरी हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे, एक ऑन द होल कमांड आती है, यानी कि एक वीडियो से कमांड आती है, तो सारा का सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब मैं करा रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उन वीडियोज़ को पूरा देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कराया आज बेटा, अपने शिक्षकों का बड़ा सम्मान करें, कम से कम आज तो कर ही लें, कम से कम आज तो कर ही लें, ठीक है। आजकल तो बेटा बहुत एडवांस हो गया मामला, तो इज्जत भी करवाना बहुत मुश्किल हो गया है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए कर लें फिलहाल, नकली सही कर तो लें एक दिन, है ना, ठीक है। तो बेटा ये आइडेंटिटीज रिवाइज करवाई आपको, उसके बाद मैंने क्या करवाया आपको, क्वेश्चंस करवाया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, ठीक, सेकंड करवाया, उसके बाद थर्ड करवाया और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इसके खत्म करवाया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं, कल की वीडियो में बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग हाई लेवल बेटा, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई लेवल जो प्रूविंग होगी जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा घबराता है, मुझे पता है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता है कि कहाँ बच्चा वीक पड़ता है, ये सारी एक्सरसाइज वो कर ले जाता है, ठीक है ना, अगर कम समझ में आती है तब भी कर ले जाता है, मेरा काम तो ये था कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में तो बेटा बच्चा करके ही नहीं ले जा पाता, भाग जाता है ट्रिग्नोमेट्री से कि भैया मेरे से नहीं होगी, तो उसको उसको भगाना है डर को, खुद नहीं भागना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहने वाली है, कल की वीडियो में सब लोग ऑन टाइम 4 बजे जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को वहीं से आगे करने वाले हैं, अब बहुत ही आसान वे में। अब तक आपने देखा होगा बेटा एक बात को 10-10 बार बोलता हूँ, लेकिन बच्चे को जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो कल भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, सभी बच्चों को दोस्तों को जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी शिक्षकों का सम्मान करेंगे हमारा, अगर आपको सम्मान है तो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख सकते हैं आप, और किस तरीके से आप सम्मान करेंगे हमारा। ऑफलाइन बैचेस में तो बच्चे गिफ्ट्स देते हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन वालों को क्या कर सकते हैं, प्यारा सा लाइक, प्यारा सा शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप हमारी वीडियो के नीचे कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, जय हिंद जय भारत।